हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BinaryTube Pryagraj यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रोहित, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपकी ओ लेवल में आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम की क्लास ले रहा हूँ। लेक्चर 13 में हम लोगों ने ओएस को ख़त्म किया था। ओएस कितने प्रकार के होते, क्या फंक्शनैलिटी है, और इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उस पर चर्चा की थी। और जैसा कि मैंने इस लेक्चर में बोला था कि लेक्चर 14 पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे, और जो आप देखेंगे अगर पिछले एग्ज़ाम्स में ओ लेवल के अधिकतर प्रश्न या अधिक बार ये प्रश्न आया है कि कंपाइलर इंटरप्रेटर में अंतर क्या है, या कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर में अंतर क्या है, या उनसे बनने वाले एक नंबर के प्रश्न भी कई बार आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख लोगे लिखा है लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या लिखा है? लैंग्वेज प्रोसेसर। ये है क्या मतलब? लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब सिंपल शब्दों ट्रांसलेटर, मतलब ऐसा प्रोग्राम जो क्या करे, किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हो। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो जो हमारा असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, ये क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर, यानी एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। किस टाइप के सॉफ्टवेयर है? हमने शुरू में बताया था कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऐसे सॉफ्टवेयर है असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, बस पहले जान लो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? किस टाइप का है? सिस्टम टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या काम करता है? लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम करता है, मतलब ट्रांसलेशन का कार्य करता है। अब बात ये आ रही होगी ट्रांसलेशन क्यों करता है। तो हम लोगों ने शुरू में बताया था आईटी टूल्स बिजनेस सिस्टम की फर्स्ट क्लास में ही आपको पता होगा कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 जानता है, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज जानता है। और हम लोग क्या जानते हैं? इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, यानी हम लोग हाई लेवल, हमारी जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो मशीन लेवल लैंग्वेज है। जाहिर सी बात है, हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन देना होगा सिस्टम को, या फिर उसकी भाषा में लिखें, उसकी भाषा बहुत टफ होती है, 1 और 0 के फॉर्म में होती है। दूसरा तरीका, अपनी भाषा में लिखें, फिर उसको इंटरप्रेट एंड उसको ट्रांसलेट कराएं, फिर सिस्टम को भेजें, ठीक? तो सरल क्या हुआ कि अपनी भाषा में लिखें, उसको उसकी भाषा में यानी कंप्यूटर भाषा में कन्वर्ट करें, फिर उस जो अपनी भाषा हमने लिखा है, जो इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर अपने उसको ट्रांसलेट करके फिर समझे, और हमारे हम जो चाहते हैं वो रिस्पॉन्स करें, ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ठीक, ये तीनों ही ट्रांसलेटर है। पहली बात, असेंबलर किस तरह का ट्रांसलेटर है? तो मैंने जब बताया था कंप्यूटर लैंग्वेज की बात की थी, सबसे पहले क्या था? लो लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले क्या था? लो लेवल लैंग्वेज, 0 और 1, ठीक। दूसरा क्या था? असेंबली लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, यानी इसमें क्या होता है? मेनिमोनिक्स होते हैं। ये मेनिमोनिक्स नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप सी लैंग्वेज क्लास देखिएगा, उसमें मेनिमोनिक्स समझाए गए, मतलब सिंबल, मतलब मान लो हमने ऐसे लिखा, इसका मतलब आई एम गोइंग, मतलब मैंने ऐट द रेट लिखा, इसके अंदर पूरा इंस्ट्रक्शन, पूरे इंस्ट्रक्शन का पैकेज है, आई एम गोइंग, अगर मैं ये लगाऊंगा इसका मतलब क्या होगा? आई एम गोइंग, यानी इस तरह की लैंग्वेज, यानी हर स्टेटमेंट के मेनोमोनिक्स बने थे, हर इंस्ट्रक्शन के मेनोमोनिक्स बने थे, उन मेनोमोनिक्स का यूज़ किया जाता था, ठीक। और तीसरा क्या था? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। तो लो लेवल लैंग्वेज 0 और 1 की भाषा, जो कंप्यूटर की भाषा होती है, जब कंप्यूटर शुरू में आया तो इसी में काम होता था, लेकिन हटाया क्यों गया? क्यों असेंबली की ओर बढ़े, क्यों हाई लेवल की ओर बढ़े? क्योंकि इसमें काम करना बहुत ही टफ था। अगर एक 0 और 1 की मिसिंग होती है तो आप पूरा प्रोग्राम आपको समझने में फिर पता चला महीने साल भर लग जाए, ठीक, लेकिन तब नहीं था तो इसी में होता था। तो डेवलपमेंट हुआ, असेंबली लेवल लैंग्वेज की तरफ बढ़े, सी लेवल लैंग्वेज आया तो थोड़ा 0 और 1 से छुटकारा मिला, लेकिन कितने आप कितने स्टूडेंट कितने मेनोमोनिक्स बनाएंगे? हर चीज़ का आपको पैकेज बनाना पड़ेगा, उस पैकेज को याद करना होगा, तो ये भी एक तरह से टफ था। फिर हाई लेवल लैंग्वेज आया, हाई लेवल लैंग्वेज आया तो इसमें क्या सुविधा मिली कि आप अपनी भाषा में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक। लेकिन कुल मिला के असेंबली में और हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग 0 और 1 की भाषा में काम नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या चाहिए आपको? ट्रांसलेटर चाहिए, जो आपके मेनोमोनिक्स को या असेंबली लेवल लैंग्वेज की भाषा को इसमें कन्वर्ट करे, लो लेवल लैंग्वेज की भाषा में कन्वर्ट करे।
या आपकी हाई लेवल, आपकी इंग्लिश के जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको यूनिट वन की भाषा में कन्वर्ट करके सिस्टम तक पहुँचाए और सिस्टम उस पर रिस्पॉन्स करे। तो चलो असेंबलर समझ में आया। असेंबलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है। असेंबलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है जो क्या करता है, सोर्स कोड को ये देखो, यानी जो हमने सोर्स को मतलब जो हमने असेंबली भाषा में असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद क्या बनाता है, लो लेवल है। ठीक, यानी सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके असेंबलर के थ्रू किसमें कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज की भाषा में कन्वर्ट करता है। असेंबलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर विच कन्वर्ट असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। यानी असेंबलर एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है और लैंग्वेज प्रोसेसर है, या ट्रांसलेटर लिख सकते हो, वो भी सही है, ट्रांसलेटर है जो करता क्या है, जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को यानी मेनेमोनिक्स को जोड़ दो तो और अच्छा हो जाएगा, मेनेमोनिक्स को असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक, असेंबली लेवल लैंग्वेज अधिकतर यूज कंप्यूटर मतलब सॉफ्टवेयर फील्ड इसलिए बढ़ा क्योंकि इसमें काम करना थोड़ा टफ था, स्लो काम करता था, हर चीज़ के स्टेटमेंट बनाने पड़ते थे। ठीक, तो ये सक्सेस कंप्यूटर की फील्ड में नहीं हुआ, ये सक्सेस किधर हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। ठीक, जिसमें क्या होता है, रिमोट वाली कार है, कोई एसी है, बटन दबा दिया तो इतने घंटे चलेगा, ये हुआ हुआ, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम असेंबली लेवल लैंग्वेज का ज़्यादा यूज होता था। तो ठीक, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जब आई तो उसमें इंग्लिश का यूज होने लगा, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर क्या हुआ, जीरो वन की भाषा जानता है भाई, और कुछ और जानता ही नहीं। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेटर का यूज किया गया उसमें दो तरह के ट्रांसलेटर का, दो तरह के ट्रांसलेटर या दो तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर आए, एक इंटरप्रेटर एक कंपाइलर। ठीक, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर, अधिकतर ही पूछा जाता है इंटरप्रेटर कंपाइलर है क्या या दोनों में अंतर क्या है। इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों ही ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो करता क्या है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, इंटरप्रेटर भी और कंपाइलर। ठीक, इंटरप्रेटर कंपाइलर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इंटू मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक, अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है, मैं यहाँ वन बाई वन लिख देता हूँ, मिटा देता हूँ। जो इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट सोर्स कोड। ठीक, यानी इंटरप्रेटर जो क्या करता है, जो भी आपके सोर्स कोड मतलब जो आपने टाइप किया है, जो आपका प्रोग्राम है, जो अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है या ट्रांसलेट नहीं हुआ है, ऐसे लाइन्स ऑफ कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। यानी हमने नोट पैड खोला, कोई प्रोग्राम लिखा, तो ये क्या है, सोर्स कोड है। इसको हमने ट्रांसलेट कराया, अब ये क्या होगा, मशीन कोड हो जाएगा। ठीक, तो ये सोर्स कोड ट्रांसलेट के बाद क्या बन गया, मशीन कोड बन गया। तो जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है पहली बार। कंपाइलर क्या करता है, इधर लिखता है, इट कन्वर्ट लाइन्स ऑफ सोर्स कोड एट अ टाइम इंटू ऑब्जेक्ट को। ठीक, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को। ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को, मतलब आपका 100 लाइन का प्रोग्राम है तो 100 लाइन को एक साथ पढ़ता है और उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन लेवल, पूरे एक बंडल बना देता है। ठीक, उस बंडल को हम लोग ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, असल में वो मशीन कोड ही है। ठीक, तो ये कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है। ये कैसे करता है, लाइन बाय लाइन करता है। ठीक, दूसरी बात,
if find any error, then terminate. अगर 100 लाइन का कोड है, 50वें लाइन पे कोई गलती हो गई, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, वहीं से वापस चला जाता है, यानी वो आगे मतलब 50वें लाइन पे थी, 91 सही थी, 92 सही हो सकती है, 52 तो सही हो सकती है, 53 तो सही हो सकती है, लेकिन जहाँ 50 पे उसने पाया कोई गलती, वहीं से वो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, कौन, इंटरप्रेटर। इन कंपाइलर क्या करता है, उसने पूरा एक साथ कर लिया, तो ये क्या करता है, चाहे जितनी गलती हो ये करेगा एक साथ ही। तो लिख लो, इट फाइंड एनी एरर नॉट टर्मिनेट, वेयर एज कलेक्ट द एरर, मतलब इट फाइंड एनी एरर देन इट नॉट टर्मिनेट। कंपाइलर वही चीज कर रहा है, 50वें लाइन पे एरर है तो ये वापस नहीं होता है, ये पूरा एक साथ करता है, पूरा एक साथ करने के बाद उसमें जितनी भी गलती उसको कलेक्ट करता है, मतलब तीन जगह गलती है तो इसने तीनों गलती को पकड़ लिया, वो आपको क्या करेगा, शो करेगा, ये शो नहीं करता है, ये क्या करता है, नॉट शो द एरर, ठीक। 50वें लाइन से चला गया वापस, अब ढूंढो कहाँ पे है, वो तो हम एग्जांपल बता दिए 50वें लाइन पे है, लेकिन अगर आप 150-200 मिलियन मिलियंस लाइंस ऑफ कोड का प्रोग्राम होता है, वहाँ पे कोई गलती आ गई तो ये थोड़ी बताएगा कि 1000वें नंबर पे है, वो आपको ढूंढना रहेगा। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, पूरे मिलियंस लाइंस को कन्वर्ट किया, अब उसने इसको कलेक्ट कर लिया, फिर आपको शो भी करेगा, शो कैसे करेगा, लाइन नंबर 4 एरर ये, लाइन नंबर 5 एरर ये, आपने क्या किया, तुरंत लाइन नंबर 4 पे गए एरर सही किया, लाइन नंबर 5 पे गए एरर सही कर दिया। तो इसीलिए कंपाइलर क्या है, ज़्यादा फास्ट है, रिलायबल है, आसानी से क्या करते हैं एरर को फाइंड करता है, ठीक। इंटरप्रेटर क्या करता है, स्लो होता है, ठीक, और क्या कहते हैं वो वापस चला जाता है और लाइन बाय लाइन करता है, ठीक। एग्जांपल में तुम्हारा कंपाइलर कौन कौन यूज करता है, कौन कौन से प्रोग्राम, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, जावा में इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों यूज होता है, जावा हो गया, ठीक। ये सब क्या यूज करते हैं आपके कंपाइलर, तुम्हारा पर्ल हो गया, पर्ल लैंग्वेज PERL, ये कब सी ट्रिपल सी पूछा भी है, पर्ल हो गया, पाइथन हो गया, ठीक। ये सब क्या यूज करते हैं, लिख देते हैं पर्ल पाइथन, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या यूज करते हैं, इंटरप्रेटर, और तुम्हारा सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, VB.NET हो गया, ये सब क्या यूज करते हैं, कंपाइलर यूज करते हैं, सी सी प्लस प्लस जावा VB.NET कंपाइलर यूज करते हैं, पर्ल हो गया, पाइथन हो गया, ये इंटरप्रेटर यूज करते हैं। अगर आपको अगर दोनों में अंतर पूछे जाए तो इतना भी लिख देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि वो लेवल में एग्जैक्ट पॉइंट अगर लिखते हैं तो उसको कोई नहीं काट सकता, ठीक। बाकी और अच्छा लिखना है और बढ़िया लिखना है तो हमारे लेक्चर्स और नोट्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर www.bintube.in पर जाएंगे। आपको जो सा एग्ज़ाम देना है वो पैकेज आप बाई करिए, उस पैकेज जैसे लेंगे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी लेक्चर्स की, लेक्चर के साथ साथ आपको लाइव आके बताया जाएगा, आपका ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हैं, नोट्स मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश में, तो बहुत सारी इसमें सुविधा है, ठीक। इसीलिए हमारी टैगलाइन दी है, घर बैठे पढ़े लिखे और पास करे, तो ऐसे नहीं बुलाना दिया, और करके दिखाया इस बार वाले हमारे एग्ज़ाम जो हुए हैं, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का कंपाइलर इंटरप्रेटर, ठीक, सी सी प्लस। अगर इसमें एक याद आ गया, सी के इन्वेंटर कौन है, डेनिस रिची, नोट कर लेना, सी के इन्वेंटर कौन है, डेनिस रिची, ठीक। एक और याद आ गया, कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज किसे बोला जाता है, सी को, कंप्यूटर मदर लैंग्वेज कौन है, सी, सी लैंग्वेज कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज, ठीक। तो ये कुछ लिखा हुआ है, बाकी नोट्स में पढ़ लेना, मेन है समझना, अगर समझ गए तो कुछ बढ़िया लिख सकते हो। समझना क्या है, इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, किस टाइप के सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर यानी ट्रांसलेटर है,
जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है, किसी कहीं भी एरर आती है तो वहीं से लौट जाता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम के साथ कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। कोई एरर आती है तो ये क्या करता है, कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद शो अप कराता है, शो अप करने के बाद आजकल तो क्या हेल्प भी देता है कि लाइन नंबर चार में ये एरर है, इसलिए है, इसलिए है, इसको हटा दो सही हो जाएगा, मतलब नीचे सजेशन भी देता है। इंटरप्रेटर में ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई एरर आया किसी लाइन में तो वहीं से लौट जाता है, फिर से रीइंटरप्रेट होता है, तो समय ज़्यादा लेता है, एक एरर नहीं शो करता। तो ये हो गया हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर में अंतर क्या है। असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है, लेकिन ये कहाँ यूज होता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज, जो मेनिमोनिक्स को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंस ले लेते हैं, फुल फॉर्म कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड फुल फॉर्म है, देखते हैं। एक सी, सी प्लस प्लस, जावा से पहले कुछ लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज बनी जो बहुत ही पॉपुलर हुई और बहुत उनका यूज़ हुआ। तो पहले नंबर पे आता है बेसिक, तो फुल फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक का फुल फॉर्म बिगिनर ऑल पर्पस बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक। दूसरा कोबोल, कॉमन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तीसरा फॉर्ट्रान, फॉर्ट्रान का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, फॉर्ट्रान हो गया, के अलावा बस कोबोल फॉर्ट्रान हो गया, ठीक यही है। ये हो गया हमारे कुछ क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट के लिए या पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। सी प्लस प्लस, जावा नहीं था तो इसी में काम होता था, बेसिक का बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फॉर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेट। ठीक, ये हो गया सी के इन्वेंटर डेनिस रिची। सी इज अ कंप्यूटर मदर लैंग्वेज। अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको सी लैंग्वेज आना चाहिए। इसीलिए आपके जो ओ लेवल है, जिसको जीरो लेवल बोलते हैं, जिसको स्टार्टिंग बोलते हैं, उसके स्टार्टिंग में ही आपका एक पेपर सी लैंग्वेज दिया। ये एक सॉफ्टवेयर कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, यही बात आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक, आप बहुत लोगों को ये टफ लगता है, लेकिन बहुत ही सरल होता है, कंसेप्चुअल होता है, एक बार समझ गए तब इसको आसानी से कर सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ पेपर जो सी का गया है, जो बहुत बढ़िया गया है, जो हमारे अतुल सर है, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। और इसके अलावा ये हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेक्शन में आएंगे तो नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक थैंक यू सो मच। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो 831-811-9800 पे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, सॉरी चैनल है, आप टेलीग्राम इंस्टॉल करिए। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप लिखेंगे बाइन टू प्रयागराज, हमारा चैनल शो अप करने लगेगा, उसको आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, नहीं तो आप इस पर भी बता सकते हैं। टेलीग्राम में यह फ़ायदा है, इसमें नोट्स जो हमारे वीडियोस लेटेस्ट आएंगे या मॉडल पेपर जो हम बनाएंगे फ्री में, वो आपको टेलीग्राम मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।